आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। विजयादशमी और स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत इन्होंने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही चीन की हाल की गतिविधियों को लेकर उन्हें घेरा भी है। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही, यह तो कहा ही जा सकता है, परंतु अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मदांत होकर उसने भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया वह संपूर्ण विश्व के सामने में स्पष्ट है। भागवत ने आगे कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना तथा जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय व वीरता का उज्जवल परिचय दिया। इससे चीन को अनपेक्षित धक्का लगा है। इस परिस्थिति में हमें सजग होकर दृढ़ रहना पड़ेगा। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम दुर्बल हैं। अब चीन को भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे खतरों पर नजर बनाई रखनी होगी। वही सेना के पराक्रम पर भागवत ने कहा कि हमारी सेना की अटूट देशभक्ति व अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमान रवैया तथा हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। हम सभी से मित्रता चाहते हैं, यह हमारा स्वभाव है, परंतु हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानकर अपने बल के प्रदर्शन से कोई भारत को चाहे जैसा नचाले, झुकाले, यह तो हो ही नहीं सकता। इतना तो अब समझ में आ ही जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रह्म देश, नेपाल ऐसे हमारे पड़ोसी देश जो हमारे मित्र भी हैं और बहुत मात्रा में समान प्रकृति के देश हैं, उनके साथ हमें अपने संबंधों को अधिक मित्रतापूर्ण बनाने में अपनी गति तीव्र करनी चाहिए। सामने तथा ऑनलाइन पर उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, श्रद्धेय संतवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के इतिहास में शायद संघ के प्रारंभ का दिन छोड़ दिया, 1925 की विजयादशमी को छोड़ दिया, तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है, क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है, विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है और उसका कारण हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी उसका कारण है। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनका, उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने चिंतन के लिए भी कोई कम रोचक नहीं रहा है। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई, बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया, हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी
और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, वो संसद में संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में दो तीन देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है, और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद। वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनो में जो सांप्रदायिक आंच थी वो मन के मन में रह गई, उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई, सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी और कोरोना ही छाया रहा। ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है, बहुत सारी घटनाएं होती रही है, आज तक होती रही है, लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है। एक बात हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कोरोना बीमारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है। इसके कारण है कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी, क्या फैलेगी, इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया। सावधानी के लिए नियम लगाए, सावधानी के लिए उपाय भी बताए, और केवल बताए नहीं, उन उपायों का निर्वहन हो, अमल हो, इसकी बहुत तत्परता से योजना की। माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई, उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का, तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया। लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है, इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी, उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए, रात दिन परिश्रम करते रहे, स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे, अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ,
कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया।
कोरोना कार्यकाल में सराफा कारोबार पूरी तरह से बंद थे, ग्राहक भी नदारद दिख रहे थे, लेकिन कोरोना का असर कम होते ही और आगामी त्योहारों के चलते सराफा बाजार ग्राहकों से सराबोर हो उठा है। इसी श्रृंखला में शहर के करण कोठारी ज्वेलर्स में फिर से एक बार ग्राहकों की भीड़ ज्वेलरी खरीदारी के लिए देखी जा रही है। शारदीय नवरात्र उत्सव के पहले दिन से ही बाजार में रौनक देखने मिली। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद से ही बाजार से ग्राहकों की भीड़ नदारद थी, लेकिन अब एक बार फिर से बाजार गुलजार हो गए हैं। पिछले 7 महीनों से कारोबार न के बराबर चल रहा था, ऐसे में अब जब लोग फिर से खरीदारी के लिए निकल रहे हैं तो व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अब व्यापार में एक बार फिर तेजी लौटेगी। नवरात्र के दौरान सोने चांदी के भाव में भी तेजी से बदलाव देखा जा सकता है। कोरोना के चलते ग्राहक भी खरीदारी करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन नवरात्र के साथ ही देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्र से लेकर दिवाली और धनतेरस तक बड़ी संख्या में लोग सोने के गहने खरीदते हैं। इसी श्रृंखला में शहर के करण कोठारी ज्वेलर्स में ग्राहकों की गहने खरीदने के लिए बड़ी भीड़ देखी गई। इस समय हमारी टीम ने ग्राहकों से बातचीत की है। इस दौरान ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। बाइट ग्राहक कोठारी में ग्राहक जो है बहुत हैप्पी होकर लौट रहे हैं। जो अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ है, लोग जो है घर से बाहर निकलना शुरू हुए। नवरात्रि उत्सव है और नवरात्रि उत्सव के दौरान अभी दशहरा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, सोने चांदी के गहने हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक कस्टमर है, उनसे हम जानेंगे कि आज आप करण कोठारी ज्वेलर्स में आए हैं इतने दिनों बाद। 6 महीने का लॉकडाउन था जिसके बाद अभी धीरे धीरे दुकान शॉप खुलने लगे हैं, क्या आपने खरीदी की, क्या बता दें आपका अनुभव? एक्चुअली मैं कोठारी ज्वेलर्स का लगभग 7-8 ईयर्स से मैं ऑलरेडी कस्टमर हूँ और मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करता हूँ। हमारी शादी की शॉपिंग भी हमने यहीं से की थी। एंड यहाँ का एटमोसफियर देन हाइजीन एंड एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड, सो हमें डर नहीं लगता यहाँ पे शॉपिंग करने आने के लिए। एंड देन डिज़ाइन ऑफकोर्स ज्वेलर्स दिस इज़ फेमस फॉर न्यू डिज़ाइन, लेटेस्ट डिज़ाइन, सो मेरे वाइफ को यहाँ का डिज़ाइन हमेशा अच्छा लगता है। तो इसलिए लेडीज और गहने, ये तो बहुत ही समीकरण ही ऐसा है, क्या बताओगे आज आप शॉपिंग? ऐसा है कि हमेशा जब भी ये मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं तो हमेशा कभी मुझे पसंद आता है कभी नहीं, तो इन्होंने लाना ही छोड़ दिया था कि इन्हें पसंद आएगा या नहीं, बट जब से हम यहाँ के गिफ्ट्स लाते हैं तो यहाँ का मुझे 100% पसंद आता है एंड स्टाफ भी काफ़ी हेल्पिंग है। एंड ऑब्वियसली अभी जो कोरोना का चल रहा है उस केस में यहाँ पे हाइजीन प्रॉपर है, सब लोग प्रॉपरली, तो हमें डर नहीं लगता। तो यस, एवरीवन मस्ट विजिट हियर इफ़ दे वांट टू बाय समथिंग, लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ज्वेलरी शॉप। बताओगे अभी नवरात्रि उत्सव चल रहा है, दशहरा है, क्या नए डिज़ाइन करण कोठारी में देखने मिले हैं? मतलब जैसे पहले का था रौनक, वही रौनक आज भी दिख रही है, क्या नया लाया है आपके लिए? लोगों के हिसाब से हाँ, लोग थोड़ा हिचक रहे तो धीरे धीरे आ रहे हैं, पर अगर हम डिज़ाइन देखें तो हाँ वो पहले जैसे ही है। काफ़ी वेराइटीज़ है, हम काफ़ी सालों से यहाँ से ले रहे हैं, मतलब शादी के पहले भी ये अलग से मैं अपने साइड से तो यहीं पर ले रहे हैं। तो हाँ, न्यू डिज़ाइंस है, इनके पास हमेशा ही रहते हैं, इट्स नॉट कि अभी है। एंड स्पेशली हम इयररिंग्स खरीदने के लिए अभी आए हैं, तो हाँ काफ़ी न्यू डिज़ाइंस है, तो इट्स नाइस। तो कोरोना के बाद भी जो लोग हैं यहाँ की सर्विस, यहाँ की डिज़ाइंस, यहाँ की ज्वेलरी खरीदने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ करण कोठारी जो है हमेशा ही अपने ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा देखते आया है, उसी के चलते ग्राहक भी जो है बेझिझक, कोरोना का दौर चल रहा है लेकिन फिर भी बेझिझक यहाँ आकर अपनी शॉपिंग, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि उत्सव के दिन चल रहे हैं और कल दशहरा भी है, आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ग्राहक जो है हमें खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक ग्राहक है जिन्होंने अभी एक खरीदारी की है, उनसे हम जानते हैं कि कोरोना के बाद जो है अब अनलॉक हुआ है और अनलॉक के बाद दुकान शुरू हो गई है, आपने आज खरीद की है, दशहरा है कल, नवरात्र उत्सव चल रहा है, तो कैसा लग रहा है कोरोना के बाद आ गए हैं, कैसी सेफ्टी है दुकान में?
सेफ्टी वगैरह थोड़ा बहुत है यहाँ पे, आई मीन आते ही टेम्परेचर चेक हो रहा है, प्लस सैनिटाइजर एंड सैनिटाइजेशन बहुत है यहाँ पे, सो या आफ्टर कोरोना ऑल्सो देख टेकिंग सेफ्टी मेजर्स जो यूजफुल होने चाहिए, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड. एंड हम यहाँ पे रेगुलर कस्टमर्स है, सो कोरोना से पहले भी सेफ्टी थी एंड कोरोना के बाद भी सेफ्टी मेजर्स है. तो क्या जो कोरोना से पहले आप यहाँ सी कोरोना के बाद तो बहुत सारी चेंजेस आई और वो हर जगह जो मैंडेटरी है वो तो होना ही है, लेकिन हम आप खुद भी देख सकते हो कि एवरी स्टाफ मेंबर सबके पास मास्क है एंड हर कोई थोड़ा डिस्टेंस से ही बात कर रहे हैं, नॉट लाइक जो पहले कोरोना से पहले जो ये थे, आई मीन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं. जो मेजर चेंजेस है वो वही है कि सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक जो हर जगह पे जो मैंडेटरी होना चाहिए, सो या यहाँ पे भी वही है. एंड आप देख सकते हो कि गेस्ट वगैरह भी सब मास्क के साथ है, सो या आई मीन इट्स बोथ वेज कि दोनों जगह से इट्स गुड. सी हर साल आई वुड से कि डिज़ाइंस बहुत चेंज होते हैं एंड हर साल सी मॉडर्न जनरेशन है सो उस तरह से मॉडर्नाइज डिज़ाइंस भी है, सो या हम लोगों ने भी आज काफ़ी शॉपिंग की है यहाँ से, सो या वी आर रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस सर्विस. कि हैप्पी कस्टमर है, जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है शॉप की ओर से. नवरात्रि उत्सव है, नवरात्रि के लिए जो ग्राहक है ख़रीदारी करते हैं, कल दशहरा है, दशहरे पर के अवसर पर भी ख़रीदारी शुरू है, ग्राहक जो है यहाँ पर हैप्पी है. और हर साल जैसे नए डिज़ाइंस रहते हैं, इस साल भी कुछ नया करण कोठारी लेकर आया है अपने ग्राहक के लिए. अभी हमारे साथ और कस्टमर है, उनसे हम जानेंगे कि क्या अनुभव रहा है आपका आज इतने दिनों बाद, मतलब अनलॉक हुआ है जिसके बाद धीरे धीरे जो है मार्केट खुलने लगे हैं, लोग बाहर निकलने लगे हैं, आप भी आज शॉपिंग की है, क्या बताओगे कैसा रहा है? हम लोग करण कोठारी हमेशा से, मतलब हम लोग बहुत सालों से करण कोठारी में शॉपिंग करता है. कलेक्शन इनका हमेशा से ऐसा रहा है कि देखते से पसंद आने लग जाएगा. आप बस बोलिए इन्हें कि हमें इस टाइप का, इस पैटर्न में ये चाहिए, और उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ फ्रॉम. अभी कोविड के बाद से हम बहुत हेजिटेंट थे बाहर स्टेप आउट करने में, शॉपिंग करने में, बट जब हम दोनों ब्रांचेस धर्मपेट भी और यहाँ शहीद चौक भी आए, ये लोग इतने अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशंस इन्होंने मेनटेन किए हैं कि जितना भी वो अंदर का हेजिटेशन है वो निकल गया है. मैं यहाँ पे अभी अपनी वेडिंग शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, जितना भी ज्वेलरी वगैरह, तो जितने भी फ्रीक्वेंट हमारे विजिट्स रहे हैं, दे हैव मेड श्योर एवरी टाइम कि हम लोग एकदम कंफर्टेबल रहे हैं, कुछ भी कोई ये नहीं है कि हाँ डर लग रहा है, कुछ नहीं. हम जितने भी ट्रायल्स ले रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे से है, स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सब कुछ दिखाना, सब डिज़ाइंस दिखाना वगैरह सब कुछ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो गुड एंड रिलीविंग कि देयर इज नो सेकंड थॉट कि हाँ हमें करण कोठारी के अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत है. वेडिंग की शॉपिंग है ऑब्वियसली, मतलब बहुत सोच समझ के और बहुत बड़ी शॉपिंग रहती है, तो क्या नई ज्वेलरी की डिज़ाइन मिली है, क्या बताओगे? हाँ जी, मेरे को मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 थिंग्स दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम, मैंने करण कोठारी से ही लिए है, और पूरा मेरा वेडिंग ट्रूजो का जितना भी पार्ट है ज्वेलरी मैंने यहीं से पिक किया है. और मेरे को इतने सब कुछ ऐसे जो हमें आजकल के इसके हिसाब से ट्रेंड्स के हिसाब से जितने गर्लिश डिज़ाइंस चाहिए होते हैं सब कुछ, वो सब मुझे एक बार में यहाँ पर पसंद आ गया, थैंक यू. तो ये हमारे दूसरे कस्टमर थे करण कोठारी के, जो बहुत ही हैप्पी थे, ये अपनी शादी की जो है ख़रीदारी यहाँ से कर रहे थे. मतलब कोरोना के बाद जो है धीरे धीरे मार्केट जो खुलने लगे हैं, सब शॉप खुलने लगी है, और जो लोग हैं वो बेझिझक अब घर से बाहर निकलकर शॉपिंग करते हमें दिख रहे हैं. इस दौरान करण कोठारी ज्वेलर्स के डायरेक्टर प्रदीप कोठारी, इन्होंने कहा कि पहले ग्राहकों में कोविड का डर था, लेकिन अब ग्राहकों के मन से ये डर निकल चुका है, और हमारे द्वारा ग्राहकों के सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है, जिसके चलते ग्राहक भी गहने खरीदारी के लिए बड़े उत्साह के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं. साथ ही कोठारी बोले, ग्राहकों का संतोष ही हमारा ध्येय है. हमारा अभी शादी का भी तैयारी कर रहा है, और साथ में पिछले जो 6 महीने का जो खरीदी जिनकी रह गई थी, तो वो लोग अभी काफ़ी अभी केसेस कम होने से बाहर निकले, तो अच्छा प्रतिसाद है सेल्स में.
डिजाइनें काफ़ी हमने नई बनाई है, जैसे बकुड़ी हार हो गया, जो चीताफर हार होता है, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उस पर मेन फोकस किया है। साथों साथ में डायमंड हो, गोल्ड में काफ़ी नई नई वेराइटी निकाली है। जी हाँ, ज़रूर से काफ़ी अच्छा, लोगों में एक वापस से जो था, जो बीच में फियर का माहौल था वो निकल चुका है और वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे हुए मास्क लगा के शॉपिंग एंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के चलते धीरे धीरे बाजार खुलने लगे और लोग भी कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों की खरीदारी करते दिख रहे हैं। देश में कोरोना के बाद जो है लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद अनलॉक हुआ है और अनलॉक के बाद धीरे धीरे जो है कुछ प्रतिष्ठान व्यवसाय जो है धीरे धीरे खुले जा रहे हैं और उसके बाद जो है हम देख पा रहे हैं कि शॉप जो है ये खुल रहे हैं। और आज हम करण कोठारी ज्वेलर्स में आए थे, हमने देखा कि नवरात्र उत्सव है, आने वाले दिनों में त्यौहार दिवाली जैसा त्यौहार आने वाला है, शादी, इसी के साथ शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो लोग जो है यहाँ की सेफ्टी, यहाँ का जो सुविधा, यहाँ की सर्विस जो है उसके चलते यहाँ पर आकर बेझिझक होकर हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBC News नागपुर।